आज हम जिस एहद नाफर जाम में जी रहे हैं क्या ये दिन भी हमें देखने नसीब होने थे ये दिन भी हमारी किस्मत में थे कि हमारे पैगंबर के खाके तराशे जाए ये घड़ियां भी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई थी ये लम्हे भी आने थे माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ था इसलिए कि उम्मत हुजूर के साथ जुड़े तो उम्मत उम्मत बनती है अगर आप मुझे पूछें कि दीन का खुलासा क्या है और दो लफ्जों में खुलासा बयान करो तो मैं इकबाल का लहजा उधार लूंगा इकबाल ने कहा था दी सरापा सोख तन अंदर तलब दी सरापा सोख तन अंदर तलब इंतहायश इश्क आगाज अदब तलब महबूब में तड़पने का नाम दीन है जो अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म हो जाता है और जो दीन अदब से शुरू हो के इश्क पे खत्म नहीं होता वो दीन दीन ही नहीं है इश्क ही इब्तदाए जाश्क ही इंतहा जान इश्क न हो तो शर हो दीन बुत कदा तस्वर क्योंकि मोहब्बत इंसानों को उम्मत को बाहम जोड़ती है यहां मैं एक जुमला और रुक के कहूंगा दुनिया की जितनी भी मोहब्बतें हैं ये रकीब पैदा करती हैं एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं ये मेरा महबूब है तुमने क्यों देखा लड़ाई की नौबत आ पहुंची कतल वत तक मामला पहुंचा हुस्न ही इतना कलील है कि सिर्फ एक की जरूरत को पूरा करता है दूसरा आया नहीं लड़ाई हुई नहीं ये दुनिया की मोहब्बत रकीब पैदा करती है एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं दिल महबूब हिजाजी बस्ताएम दिल महबूब हिजाजी बस्ताएम जी जेहत दिगर पे बसताए हमारी मोहब्बत का सबब जाते सालते माप है दिल महबूब हिजाजी बस्ताएम जी जेहत

अबू बकर हज़रत उमर रदी अल्लाह तहुम ये मक्तुलमकरमा से हैं और हजरत साद मदीनातलमवरा से हैं लेकिन एक कौमियत का तश्खस उभरता है ये कौमियत वजूद में नाम मुहमद की वजह से आती है इसलिए इकबाल ने भी कहा था कुत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे दहर में रोशनियाँ होंगी तब जब हुजूर के दामन से लिपट जाएंगे तो जब यह बदकारी की गई कि हुजूर की जात से लोगों को लग कर दिया जाए और फिर उसका नतीजा फिर पाबंदी होगी और हुजूर की ज़ात पर अलैहि सलाम के हवाले से जब ओहाम पैदा किए जाएंगे हुजूर के हवाले से जब अकीदों में तजलजल पैदा किया जाएगा फिर नतीजा यही होगा कि वो वारफ्तगी वो मोहब्बत वो शौक फरामां मौजूद नहीं रहेगा और जिसके नतीजे के अंदर उम्मत कमज़ोर हो जाएगी और उनको बेयकीनी का मरज लायक हो जाएगा जिसको इकबाल ने कहा था सुन है तहजीब हाजर के गुलाम ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी